श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की एक आध्यात्मिक गुरु के द्वारा किसी शिष्य को जो सबसे अनुपम उपहार है वो हरे कृष्ण महामंत्र है। गुरु दीक्षा के समय जब शिष्य को हरे कृष्ण महामंत्र देता है तो ये पूरी सिद्धि का मंत्र है जिसमें अपने जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये मंत्र तभी प्रभावशाली होगा जब इस मंत्र को देने वाले को निर्देशों के अनुसार किया जाए, यानी कि गुरु के निर्देश के अनुसार किया जाए तभी ये मंत्र प्रभावशाली होगा। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि अपराध रहित जप का अर्थ है एक शुद्ध भक्त के निर्देशन में जप करना। और दीक्षा के समय आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का महत्व और किस प्रकार से अपराधों से बचते हुए ध्यानपूर्वक उसको जप करना चाहिए। तो प्रतिदिन जब हम जप करें तो ये जप अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक बहुत सुंदर माध्यम है, गुरु को धन्यवाद देने का और गुरु को एक ऑफरिंग करने का। अक्सर गुरु यही कहते हैं कि एक शिष्य की किसी और ऑफरिंग से इतना प्रसन्न नहीं होंगे जितने एक ध्यानपूर्वक जप से। तो हमें जप करते समय मनन करना चाहिए कि मुझे बहुत ही विशेष उपहार अपने गुरु से प्राप्त हुआ है, उनको धन्यवाद करते हुए और जो मैं जप करूँ अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूँ ताकि अपने इस जप से इस ऑफरिंग को मैं गुरु को अर्पित कर सकूँ और गुरु प्रसन्न होंगे तो मेरा आध्यात्मिक जीवन प्रसिद्ध हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।